खबरों में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बलरामपुर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुजगंज में 1,33,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 1,33,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में बैंक के कर्मचारी विजय उइके और राजेश पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट के आदेश पर अब जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन सहकारी केंद्रीय बैंक में 1,33,00,000 रुपए के गबन का यह मामला सामने आया है। सहकारी मर्यादित बैंक रामानुजगंज में है, जिसमें फ्रॉड का मामला सामने आया है। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन के नाम पे जो है बैंक प्रबंधक और कैशियर बैंक ऑपरेटर इन लोगों के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी जांच की गई बैंक स्तर पर। जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने पे प्रार्थी आया थाने में उस जांच रिपोर्ट को लेकर FIR कराने के लिए, जिसमें 4 आरोपी थे। टोटल 4ों के खिलाफ IPC की धारा 409 आपराधिक दुर्विनियोग के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मेरे सहयोगी नंद कुमार कुशवाहा इस पूरे खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नंद कुमार का रुख करते हैं। नंद, कैसे ये मामला सामने आया और करोड़ों का गबन हुआ है? सिर्फ 2 ही लोगों पर अब तक FIR दर्ज हुई और उनको अब जेल भेजा गया है। सूरज, मैं आपको इस मामले में बताना चाहूँ कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज का मामला है, जहाँ पे बैंक संस्कारता का मामला है, जहाँ पे दो बैंक कर्मचारियों के द्वारा लगभग 1,00,00,000 का मामला का गबन का मामला सामने आया है और यहाँ पे दोनों को जेल भेजा गया है। ठीक है, तो करोड़ों का ये मामला जो है गबन का सामने आया है, 2 लोगों को जेल भेजा गया है। आगे और कितने इनमें गिरफ्तारियां होती है ये भी देखने लायक बात होगी। बहुत शुक्रिया नंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।